नमस्कार, वन इंडिया की खास पेशकश वन बांकुरे में आपका स्वागत है। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में तनाव जारी है। चीन और भारत दोनों ही लगातार सीमावर्ती क्षेत्रों में सैनिकों की संख्या बढ़ा रहे हैं, खासतौर पर पैंगोंग त्सो इलाके में। यही नहीं, दोनों तरफ से सेनाएं एडवांस टैंक, एयरक्राफ्ट और कई तरह के वेपन की तैनाती भी कर रही हैं। पैंगोंग झील के दक्षिण किनारे रेजांग ला के पास भारत चीन सैनिकों के बीच अब भी गतिरोध जारी है। 30 से 40 चीनी सैनिकों की टुकड़ी वहां मौजूद है। सूत्रों के मुताबिक 3 दिन से लगातार चीनी सैनिक उन चोटियों पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां भारतीय सैनिक तैनात हैं। जिस तरह पहले पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर फिंगर 4 में भारत चीन सैनिक आमने सामने थे, उसी तरह अब तनाव का सबसे बड़ा पॉइंट रेजांग ला के पास की चोटियां बन गई हैं। सूत्रों की तरफ से बताया गया है कि चीन ने पैंगोंग झील के उत्तर में स्थित फिंगर 4 पर भी अपने जवानों की संख्या बढ़ा दी है। फिंगर 4 वो हिस्सा है जिस पर इस समय चीन के जवान मौजूद हैं और 5 मई से यहां पर टकराव की स्थिति गंभीर है। इस बीच चीनी सैनिकों के खतरनाक इरादे की एक तस्वीर भी सामने आई है। मीडिया में आई तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि चीनी सैनिक नुकीले रॉड और भाले लिए हुए थे। चीनी सेना गलवान घाटी की तरह ही एक और घटना को अंजाम देने की फिराक में थी, लेकिन मुस्तैद भारतीय सैनिकों ने उसकी ये मंशा कामयाब नहीं होने दी। इस बार चीनी सैनिक रेजांग ला इलाके में अपनी नापाक साजिश को अंजाम देना चाहते थे। मीडिया में आ रही चीनी सैनिकों की तस्वीरें बताती हैं कि जो चीन का इरादा उजागर कर रही है। हालांकि अब भारतीय सेना न सिर्फ पूरी तरह मुस्तैद है, बल्कि इंडियन आर्मी की रणनीति पीएलए की हर साजिश पर भारी पड़ रही है, क्योंकि भारतीय सेना न सिर्फ सतर्क और सावधान है बल्कि चीनी सेना के पल पल की मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है। साथ ही चीनी सेना के अनुपात में तमाम इलाकों में भारतीय सेना की भारी तैनाती भी है, जिससे चीनी सेना के घुसपैठ की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। बता दें कि रेजांग ला में भारत और चीनी सेना के बीच गोलीबारी के बाद भी चीन की सेना ने 2 बार भारत में घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन बास की तरह दुश्मनों पर नजर गड़ाए भारत के जाबाजों ने चीनी मंसूबे को धराशायी कर दिया। इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।